क्या आप भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक देखना चाहते हैं? यकीनन चाहते ही होंगे, अलग फील हो जाता है। मगर कैसे मिलेगा ब्लू टिक? ज़्यादातर लोगों को इसी सवाल का जवाब तो नहीं मिलता, मगर अब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्विटर से ब्लू टिक लेने का पूरा प्रोसेस हम आपको आज समझा देंगे। बहुत उलझाऊ काम नहीं है, बस एक मिनट का ही है। हालांकि ये मत समझिएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो ही जाएगा, ट्विटर आपके अनुरोध को नामंजूर भी कर सकता है। दरअसल सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी का कहना है, आपके अकाउंट को मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति या ब्रांड का प्रतिनिधित्व कराना चाहिए या फिर उससे जुड़ा होना चाहिए। ऐसा न होने पर वेरिफिकेशन बैच के लिए आपका आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है। हालांकि आप बार बार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार। वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले ऊपर की ओर लेफ्ट में बनी अपनी प्रोफाइल पिक पर क्लिक करें। यहाँ नीचे की ओर सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करें। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएं, यहाँ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट दिखेगा, उसे टैप करें। उसके बाद अप्लाई नाउ करें। फिर आपकी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन आएंगे, उन्हें फॉलो करते हुए वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डालिए। यहाँ आपको अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। ट्विटर आपको आपकी पहचान वेरीफाई करने के तीन तरीके देगा, उसमें से एक आधिकारिक वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल कर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आईडी वेरिफिकेशन, इसमें आपको सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर देनी होगी। तीसरा ऑप्शन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस का है, अगर इस ऑप्शन को चुनते हैं तो आपको डोमेन के साथ ऑफिशियल ईमेल एड्रेस देना होगा। आशा करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।